आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैं नेहा मिश्रा, भंडारा से शमशेर खान की खास खबर पर एक नजर। यूथ मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। भंडारा में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने पहली बार 3/5/2018 को यह कार्यक्रम मुस्लिम लाइब्रेरी कल्चरल हॉल में आयोजित किया, जिसमें मुस्लिम समाज के 6 जोड़ों के निकाह पढ़ाए गए। उन 6 जोड़ों के नाम इस प्रकार है: नाजिया पठान संग इरफान शेख, रेहाना शेख संग मुस्तफा शेख, साजिया पठान संग नईम शेख, अनीस शेख संग मिनास शेख, नूरजहां सैयद संग मकबूल सैयद, गुलबशा खान संग वसीम कुरैशी। देखते हैं खबर विस्तार से। मोहम्मद पैगंबर के उद्देश्य पर चलना मुसलमानों के लिए सुन्नत यानी पुण्य का काम है। इसमें से एक सुन्नत है निकाह। निकाह यानी दो लोगों का उम्र भर साथ निभाने का करारनामा। किसी एक जोड़े का निकाह करना बहुत ही पुण्य का काम है, और अगर एक साथ 6 जोड़ों का निकाह हो तो ऐसे में ये पुण्य सवाब कई गुना बढ़ जाता है। यूथ मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। पहली बार आयोजित इस इस्तमाही शादी के आयोजन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसकी बहुत प्रशंसा की गई। यह आयोजन अध्यक्ष असराज शरीफ की अध्यक्षता में हुआ। आपकी खबर आप तक पहुंचाने के लिए आप जो शेयर और लाइक करते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़। नमस्कार।